बरसात का मौसम आते ही सिर्फ चाय सर्व करना किसे अच्छा लगता है, इसके साथ अगर पकौड़ा मिल जाए तो क्या बात होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे कांदा भज्जी, आप इसे प्याज का पकौड़ा या प्याजी भी कह सकते हैं। ये मुंबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 5 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए जिसे हमें स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है। यहाँ पे मैंने आधा प्याज रखा है कि मैं आपको काट के दिखा दूँ कि इसे किस तरह से हमें काटना है। तो सिंपली हम इसे स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए। और काटने के बाद इसके लच्छे हम किस तरह से अलग करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बाकी बचा प्याज भी काट लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा, तो बिल्कुल रफली आपको इसे चॉप कर लेना है, ये देखिए। अब इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल अलग कर लेंगे, इजीली अलग हो जाता है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल तैयार है। तो इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी पकौड़ा बनाए इसे ज़रूर ऐड कीजिए, डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने कलौंजी ऐड किया है 1/4 छोटी चम्मच। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 2 हरी मिर्च को मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किया है, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए भजियों को यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा, इससे भजियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच नमक डाला है। इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों के साथ प्याज को अच्छी तरह से रब करते हुए हम मिक्स करेंगे ताकि प्याज में जो जूस है वो बाहर निकले और एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाए। इस पकौड़े में पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, प्याज के जूस से ही पूरी बाइंडिंग आ जाती है। तो इस तरह से प्रेस करते हुए मिलाइए तो आप देखेंगे धीरे धीरे अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाएगा प्याज के ऊपर, ये देखिए। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक इस प्रोसेस को आप कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया हमने मसालों के साथ, इसे इस तरह से लुक आएगा और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि और मॉइस्चर रिलीज़ हो। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया प्याज। तो अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन उसे एक साथ ऐड नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितना बेसन ज़रूरत पड़ेगा इसमें बाइंडिंग आ जाए एक अच्छी सी, बस उतना ही। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पे बेसन ऐड किया मैंने, इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल मसलते हुए हम मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, लेकिन अभी और भी बेसन इसमें लगेगा, अभी बाइंडिंग नहीं आ रही है। तो लगभग 2 चम्मच और मैंने ऐड किया है, तो आधा कप बेसन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और जब तक आप इसे मिक्स कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करते हुए ही मिलाइए ताकि पूरी तरह से जूस निकले प्याज का और हमारे पकौड़ों का टेक्सचर अच्छा आए। तो ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है, आसानी से इसके पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब आप कुछ पोर्शन अपने हाथों पर लेते हैं तो वो पूरी तरह से बन जाता है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा पकौड़े बनाने का मिक्सचर तैयार है, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसे तलने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है, यहाँ पे देखिए इवनली फ्लो हो रहा है। तो अब हम इसमें पकोड़े का मिक्सचर ऐड करेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दिया है मैंने। तो इस तरह से एक पोर्शन लेके अंगूठे से उसे आप फ्लैट कीजिए बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा इसे पतला करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कि एक समान हो जाए प्याज के लच्छे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, तो जितना भी कढ़ाई में आ जाए उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें डालना है, और ये पकोड़े बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और ऐड कर दिया मैंने, लेकिन एक और पकोड़े की गुंजाइश है यहाँ पे, तो वो भी ऐड करती हूँ मैं। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, हाँ ये देखिए। तो बस मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आपको बहुत कुरकुरे पकौड़े पसंद हो तो चावल का आटा आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया था, लेकिन आप 4 से 5 चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट के बाद सबको फ्लिप कर लीजिए, अच्छा सुनहरा कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है दोनों तरफ से। तो एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है।
तो ये देखिए कुछ पकौड़े में बहुत अच्छा कलर आ गया है इस तरह से। तो इसी तरह से फ्लिप करते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लगभग तैयार है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही अच्छे, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही अच्छे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं ये देखिए। और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अगर तेल का टेम्परेचर अच्छा हो तो आपको इन पकौड़ों को किचन टॉवल पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे प्लेन प्लेट में ही निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं तेल बहुत ज़्यादा इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे, और इस बैच में हम कुछ मिर्चियों को भी फ्राई करेंगे, तो जो इस तरह से है। तो मिर्ची को फ्राई करने के लिए पकौड़े डालने के बाद आप इस तरह से स्लिट कर लीजिए बीच से, ताकि ये तेल में फूटे ना, और हम इन्हें पकौड़ों के साथ ही फ्राई कर लेंगे। इससे मिर्ची चटकेगी नहीं, आराम से फ्राई हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी पकौड़े तले जाते हैं तो बिना मिर्ची के उसे सर्व नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप मिर्ची को फ्राई कीजिए, आसानी से फ्राई भी हो जाएंगे और चटकेंगे भी नहीं। ये देखिए लगभग एक मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो मिर्ची को बाहर निकाल लिया मैंने, पकौड़े भी सेकेंड बैच के पूरी तरह से डन है ये देखिए। तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के पकौड़े हम बना के गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ सर्व करेंगे, तो सबको इतना पसंद आएगा। और बनाना भी बहुत आसान है, बस प्याज को रब करते हुए मसाले के साथ मिलाइए, उसके बाद बेसन भी डालिए, तब भी रब करते रहिए, तो आप देखेंगे कि प्याज का जितना भी जूस है वो मिक्सचर में आ जाएगा, और प्याज बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए, और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।